नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। डॉक्टर मोहन यादव ने संभाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने दिलाई शपथ। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत तमाम बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण में रहे मौजूद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि रेल मंत्रालय ने साल भर में सब्सिडी पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय रेल दुनिया की सबसे सस्ती रेल सेवाओं में से एक है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। रायपुर में अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। राजस्थान में भजन लाल शर्मा होंगे सीएम। दो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे उप मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा अध्यक्ष। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। 2001 में संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। भारतीय जवानों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। संसद हमले की 22वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं ने हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदा एक व्यक्ति। सदन में घुसे दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक, नागरिक, परिवहन व औद्योगिक उन्नति के लिए बड़े स्तर पर परियोजनाओं का को क्रियान्वयन किया जा चुका है। साथ ही जल्द कई अन्य परियोजनाओं को भी लागू करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की बढ़ती संभावनाओं के बीच प्रदेश में पर्यटन के प्रदेशों को भी नया आयाम प्रदान कर रही है। प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से बढ़ती संभावनाओं के बीच महाकुंभ 2025 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश को धरातल पर उतारने की सीएम योगी की कोशिशें रंग ला रही हैं। जीआईएस 23 में विभिन्न विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधायकों के सुझाव पर 1,142 नई सड़कें बनेंगी। योगी सरकार ने प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही धनराशि जारी हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। विश्वनाथ धाम में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तीर्थयात्रियों, देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ हॉस्पिटेलिटी सेक्टर का दायरा महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रही हैं। इसके चलते उन कंपनियों के कर्मियों के लिए एक अलग सिटी बनाने की तैयारी है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन चिन्हित की है। प्रदेश में परिवहन निगम की ऐसी बसों में 16 दिसंबर से 10% कम किराया देकर यात्रा कर सकेंगे यात्री। 28 फरवरी तक जारी रहेगी किराए में छूट। प्रवर्तन निदेशालय ने आयुष कॉलेज में प्रवेश को लेकर हुए घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर की दर्ज। आयुर्वेद निदेशक समेत 16 आरोपियों को किया गया था मामले को लेकर गिरफ्तार।
रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ सकेंगी बेटियां। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 अगस्त को जारी किया आदेश वापस लिया। पुरुष महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।